कशिश और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। सभी को मालूम है कि ट्विटर का अब ऑनर एलोन मस्क बन चुके हैं और यहाँ पर हमने देखा यह है कि कितनी मिन्नतों के बाद उन्होंने अचानक से यहाँ पर ऑनर बनने का फैसला किया था। लेकिन चलिए आज इस रिपोर्ट इस प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि आखिरकार एलोन मस्क है कौन और उनके भारत के साथ क्या रिश्ते हैं, क्योंकि एक बात और एक नहीं ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो एलोन मस्क के बारे में जाननी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में ट्विटर आम इंसान हो या फिर कोई पॉपुलर इंसान हो हर कोई यूज़ करता है, तो हमें उसके ऑनर के बारे में भी सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि एलोन मस्क जो है वो खुद ट्विटर इसका इस्तेमाल करते थे और अपनी हर एक बात को लेकर वो ट्विटर पे ऑनलाइन एक्टिव रहते थे, यहाँ तक कि उनकी बातों को इतना कोई नोट ना करता हो लेकिन उसके बावजूद उनके मीम्स को बहुत ज़्यादा नोटिस किया जाता था और एलोन मस्क को बहुत सारे लाइक्स भी मिलते थे, शेयर्स भी मिलते थे। और अब उसके बाद हमने देखा कि कितने सारे पैसों में, करोड़ों मिलियन बिलियन में यहाँ पर उन्होंने ट्विटर को ख़रीद लिया है और उनकी ज़िंदगी भी एक आम लड़के की जैसे ही शुरू हुई थी। उन्होंने भी वही दुख दर्द झेले जब उनके मम्मी पापा अलग हो गए, उसके बाद उन्होंने अपने पापा के साथ रहकर ही पूरी ज़िंदगी बिताई और इसके साथ हमने देखा ही कि आज वो कितने बड़े नामकामी इंसान बन चुके हैं एलोन मस्क। तो चलिए जानते हैं इस प्रोग्राम में कि आखिरकार किस तरह से उनकी ज़िंदगी में क्या उतार चढ़ाव और भारत के साथ क्या संबंध है। बता दें कि एलोन मस्क ने ऑफर को ट्विटर के बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है। $44 अरब में मस्क ने ट्विटर को ख़रीदने की डील की है और जल्द ही इस डील को फाइनल रूप दिया जाएगा। वैसे तो एलोन मस्क सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, खासकर ट्विटर पर वह हमेशा ही किसी न किसी विषय पर कुछ शेयर करते रहते हैं, कुछ और नहीं तो अक्सर मीम को लेकर वह चर्चा में ज़रूर रहते हैं। ऐसे में सोमवार को जब ट्विटर और एलोन मस्क के बीच यह डील हो रही थी तब वह कहाँ थे, इसका जवाब भी आपको ट्विटर पर ही मिल जाएगा। इसके लिए आपको थोड़े ट्विटर अकाउंट्स की पड़ताल करनी होगी। तुलान यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर वॉल्टर इसाकॉन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने अपने लेटेस्ट ट्वीट में बताया कि कल ट्विटर की घोषणा से ठीक पहले मैं एलोन मस्क टेस्ला ऑस्टिन गीगा फैक्ट्री की इंडोनेशिया के मिनिस्टर लूथ बिनासर पैंडिटियन से बैटरी सप्लाई चेन और माइंस को लेकर मीटिंग कर रहे थे। जी हाँ, ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पे वाल्टर इसाकॉन ने ट्वीट कर रखा है। इससे पहले वाल्टर ने ट्वीट कर बताया था कि कल देर रात ट्विटर के लिए अपनी जंग जीतने के बाद एलोन मस्क बोका चिका में थे और वह रैप्टर इंजन डिज़ाइन पर अपनी रेगुलर 10 बजे की मीटिंग कर रहे थे, जहाँ उन्होंने एक घंटे से ज़्यादा का वक्त वॉल्व लीक सॉल्यूशन पर काम करते हुए बिताया। किसी ने भी ट्विटर का जिक्र नहीं किया, वह मल्टीटास्क कर सकते हैं। बता दें कि एलोन मस्क ने $44 अरब में ट्विटर को ख़रीदने की डील की है, जल्द ही वह इस डील को फाइनल किया जा सकता है और उसके बाद ट्विटर का कंट्रोल एलोन मस्क के हाथों में होगा। मस्क ने इस महीने की शुरुआत में ट्विटर में 9.2% स्टेक खरीदे थे, जिसके बाद कंपनी ने उन्हें बोर्ड में शामिल करने का फैसला किया था। हालांकि उन्होंने बोर्ड में शामिल होने से इनकार कर दिया और बाद में ट्विटर को ख़रीदने का ऑफ़र दिया, जिसे कंपनी को आखिर में मानना ही पड़ा। जी हाँ, चलिए आपको आगे भी बताते चलते हैं एलोन मस्क से जुड़ी और भी बहुत सारी बातें। बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलोन मस्क ने आविष्कार ट्विटर को ख़रीद लिया। कई दिनों से इसकी चर्चा चल रही थी। मस्क ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का सौदा $44 अरब यानी कि 3,37,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा में किया है। मस्क की तरफ से ये रकम कैश में दी जाएगी। मस्क के ऑफर के अनुरूप उन्हें ट्विटर के हर शेयर के लिए $54.20 यानी कि 4148 रुपए चुकाने होंगे। सौदे के बाद अब मस्क के पास ट्विटर की 100% हिस्सेदारी हो जाएगी। ट्विटर खरीदने के बाद मस्क एक बार फिर से सुर्खियों में है। पूरी दुनिया में उनको लेकर चर्चा हो रही है, हर कोई उनके बारे में जानना चाहता है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मस्क की ज़िंदगी से कुछ जुड़ी बातें और कहीं ना कहीं भारत भी इसमें दिखाई देगा। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। मस्क की माँ माय मस्क मॉडल थी। उनका जन्म कनाडा में हुआ था लेकिन पूरा जीवन दक्षिण अफ्रीका में बीता। मस्क के पिता एरोल मस्क दक्षिण अफ्रीका इलेक्ट्रॉनिकल मैकेनिकल इंजीनियर पायलट प्रॉपर्टी डेवलपर थे। मस्क के छोटे भाई का नाम किम्बल और बहन का नाम टोस्का है। किम्बल का जन्म 1972 और टोस्का का जन्म 1974 में हुआ था। मस्क के नाना जोशुआ हेल्दमैन अमेरिकी मूल के कनाडियन थे। जोशुआ ने अपने परिवार को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा एक इंजन वाले बेलांका
हवाई जहाज में कराई थी, ये भी एक रिकॉर्ड है। 1980 में मस्क के माता पिता अलग हो गए। इसके बाद मस्क ज़्यादातर अपने पिता के साथ रहे। मस्क जब स्कूल में पढ़ते थे तब क्लास में पढ़ने वाले बच्चे उन्हें काफ़ी परेशान करते थे। एक बार बच्चों ने उनकी जमकर पिटाई भी कर दी थी। उन्हें इतना पीटा गया कि अस्पताल ले जाना पड़ा। मस्क 15 साल के हुए तो उन्होंने कुश्ती और मार्शल आर्ट सीखा। इसके साथ साथ बताते चले तो बहुत और बातें हैं। 10 साल की उम्र में ही मस्क की रुचि कंप्यूटरिंग और वीडियो गेम्स में हो गई। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया और फिर उसे एक मैगजीन को $500 में बेच दिया। स्पेस फिटनिंग गेम का नाम ब्लास्टर था। मस्क ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर जिप2 नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। बाद में इसे भी $2.2 करोड़ में कॉम्पैक नाम की कंपनी को बेच दिया था। 1999 में एलन मस्क ने करीब $1 करोड़ के निवेश से X.com की शुरुआत की। बाद में ये कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ मर्ज हो गई, जिसे अब पेपाल के नाम से जाना जाता है। 2002 में ईबे ने पेपाल को $150 करोड़ में खरीद लिया। इसके मस्क की हिस्सेदारी $16.5 करोड़ थी। फिर मस्क ने स्पेस रिसर्च की तकनीक पर काम करना शुरू किया। 2002 में इसके लिए स्पेस एक्स की शुरुआत की। मस्क ने दावा किया था कि आने वाले दिनों में वह इस कंपनी के जरिए मनुष्यों को दूसरे ग्रहों पर भी भेज सकेंगे। साल 2004 में एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला की शुरुआत भी की थी, जी हाँ, जिसको आज के जमाने में सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। 2020 में एलन मस्क ने अपने सभी 7 आलिशान बंगले बेच दिए। मस्क ने ट्विटर पर इसका ऐलान किया, कहा, मैं अपनी ज़िंदगी की भव्यता को कम कर रहा हूँ और वह अपने पास कोई घर नहीं रखूँगा। फॉर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार अब मस्क 20x20 के किराए के घर में रहते हैं। इस घर को बॉक्साबल नाम के हाउसिंग स्टार्टअप ने बनाया है। ये घर अफोर्डेबल और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। एक इंटरव्यू में एलन मस्क ने खुद से जुड़ी काफ़ी सारी बातें शेयर की है। इसमें उन्होंने बताया था कि उनके ज़िंदगी में एक ऐसा समय भी आया था जब उन्होंने अपने खर्चे के लिए दोस्तों से उधार लेना पड़ा था। हालांकि बाद में सब कुछ सही हो गया था। फिर उसके बाद जैसे तैसे करके ज़िंदगी गुजारने लगे थे, लेकिन आज वो इतना बड़ा नाम बन चुके हैं कि उनको हर कोई जानता है और हर कोई उनसे इसी तरीके से जुड़ाव रखना भी चाहता है। इसके साथ साथ आपको उनके बारे में और भी बातें बताते हुए चले तो बता दें कि ऐसी और भी बहुत सारी बातें हैं जो एलन के बारे में जाननी आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अब उनके पास ट्विटर है। टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। मस्क ने $43 बिलियन में ट्विटर को लिया। ट्विटर में मस्क की हिस्सेदारी पहले 9% की थी। सौदे के तहत अब ट्विटर के हर शेयर धारक करीब $54 प्रति शेयर मिलेंगे। मस्क के ट्विटर बॉस बनने के बाद पराग अग्रवाल के भविष्य पर अब सवाल उठने लगे हैं। जी हाँ, वही तो आपने इस रिपोर्ट में सुना है यहाँ पर कि एलन मस्क की ज़िंदगी में बहुत चीज़ें उन्होंने देखी, बहुत कुछ देखा। उनके माता पिता अलग हो गए, उनके भाई बहन के साथ उन्होंने काम शुरू किया लेकिन ज़्यादा चला नहीं, एक के बाद एक चीज़ें बेचते चले गए। एक समय जब उनके पास ऐसा आया कि उनके पास बड़े बड़े आलिशान घर थे, वो तक उन्होंने बेच दिया और उसके बाद सिर्फ एक किराए के घर में रहते थे। और उसके बाद यहाँ पर अब हमने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने ट्विटर खरीदा, इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए उन्होंने लिखवा दिया। तो ये जो जर्नी थी यहाँ पर एलन मस्क की, जो अंदाज था उनका ज़िंदगी जीने का, इससे आप लोग कितने इंस्पायर हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।